अभी इसमें आग लगा दी है और अब इस पे खाना बनना स्टार्ट। हेलो गाइस, माय नेम इज जीतू। वेलकम बैक टू एक अनदर ब्लॉग। और फिर से आपका स्वागत है आजमगढ़ ब्लॉग में। और आज आ गया आपके लिए एक और मजेदार डेली ब्लॉग। और आज के दोस्तों ब्लॉग में हम कवर करने वाले हैं एक स्पेशल देसी डिश जो कि आजमगढ़ में ही काफी ज्यादा फेमस है। इसके बाहर आपने शायद ना भी सुनी हो और वो बिलोंग करती है जैसे आपने लिट्टी खाई होगी उसी कैटेगरी के, बट नॉट ए लिट्टी। सो आज को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आपको भाई आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो लाता रहता है। सुबह से दादी ने हमारे लिए लिया है शैतूस जो कि हमारे पेड़ पे उगे हुए हैं, काफी ज्यादा रसीले और लजीज शैतूस है। तो चलिए इसको मॉर्निंग में ट्राई करते हैं। और साथ में हमारे है ये है हरे चने जिसको सुबह सुबह मॉर्निंग में दादी जी ने आग में भूज के इस तरह का कुछ कर दिया है और काफी ज्यादा टेस्टी और होते हैं खाने में काफी ज्यादा। और दूसरे हाथ में रहा है शैतूस। सो आज जो हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है वो हो रहा है कुछ इन्हीं सब चीजों से। सो गाइस, जैसा कि आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज जो हमारा खाना बनने वाला है थोड़ा अलग कैटेगरी में बनने वाला है, तो वो खाना हम बनाएंगे दोस्तों हमारे जो बगल में घर के इस तरह का जो बाग है उसके अंदर। और हमने कुछ इस तरह के यहाँ पे तैयारी कर ली है और कंडे और उपले लेके यहाँ पे हमने इस तरह का कुछ सासा बना लिया जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इसी हमारा आज खाना बनने वाला है। सो अभी जैसे खाना बनेगा उसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी इसमें आग लगा दी है और अब इस पर खाना बनना स्टार्ट होने वाला है। गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पीछे हमारा खाना बनना स्टार्ट हो गया है और हमारी दादी जी और चिंटू है जो मेरे दोस्त उसकी मम्मी के यहाँ खाना बनाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और जैसा आपको मैंने दिखाया था कि वहाँ उपले के उसके ऊपर खाना बन रहा है, तो चलिए दोस्तों अब आपको थोड़ा पास दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो बन रहा है। तो गाइस, इसमें बन रहा है हमारा दाल और इसमें बन रहे हैं हमारे चावल। तो गाइस, फाइनली हमारी डिश कंप्लीट हो चुकी है, बन चुकी है और उसका टाइम आ गया फाइनल टच देने का। फाइनल टच देंगे हम केले के पत्ते में, इस तरह से देंगे वो फाइनल टच, वो आप देखेंगे वीडियो में बिल्कुल। और देखने के बाद दोस्तों मैं आई एम श्योर कि आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, तो इस हिसाब से हम उसको आपके सामने पेश करेंगे। गाइस, फाइनली हमारी जो डिश है वो बन चुकी है और ये बहुरिया है इसको बोलते हैं हमारे गांव में। और ये लिट्टी की जैसे होती है, मैंने जैसे आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया था, और कुछ इस तरह का हमारा ये खाना है और देखने में काफ़ी ज़्यादा लजीज और टेस्टी लग रहा है। चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। और साथ में दोस्तों है चोखा जो बनाया आलू प्याज टमाटर से बिल्कुल चोखा बनाया गया है। साथ में है हमारा बेसिक दाल चावल, देखने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और करते हैं इसको ट्राई। आप देख सकते हैं कितना स्वादिष्ट है ये। तो इसमें मैंने चोखा डाल लिया ऊपर और करते हैं इसको ट्राई अप खाने की।
खाई लिया सुन। खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वाद है दोस्तों, जैसा मैं आपको बताया था वीडियो में देखा कितना ही आपको सामने ही बन रहा था, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, मज़ा आ गया खा गया इसको। चलिए इसको मैं पूरा फिनिश कर लेता हूँ, देन आपसे मिलते हैं आगे वीडियो में। गाइस अभी घड़ी में बज गए हैं 4 और अभी रिक्शा लेके हम फिर से निकल चुके हैं। जैसे कि आपने दिन में देखा था हमने चोखा खाया था, कितना ही टेस्टी चोखा था, बहुत मजा आया, और मेरे साथ फर्स्ट टाइम था, मैंने खाया काफी मजा आया। अभी हम जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं बता दूं, थोड़ा सा कैमरा इस साइड लाओगे आप, ये है प्रिंस जो कि आज हमारे को ले जा रहा तालाब में, और तालाब में ले जा रहा, इसका टैलेंट ये है कि बताता है कि बिना किसी कांटे के हाथ से मछली पकड़ लेता है प्रिंस भाई, ऐसी बात है तो आज हमको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं तालाब पे और ये आपको दिखाएगा मछली पकड़ के अपने हाथों से। सो गाइस मेरा आज आजमगढ़ में लास्ट डे है, कल का है मेरा टिकट दिल्ली जाने का। सो भाई आज मुझे दे रहे सब पार्टी, और मेरे साथ अभिलाष भाई है और ये सौरभ भाई, इधर है हमारे सोनू भाई। सो अभी हम आ गए रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में आके हम कर रहे हैं अपना टाइम आज इंजॉय, और कर रहे हैं ऐसा पार्टी, और कल है हमें जाना। सो सौरभ भाई तो कैसा लग रहा है आपको भी, आप आए आज रेस्टोरेंट में? अच्छा लगा आप? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। नहीं सो गाइस अभी हमने करा है एक बर्गर ऑर्डर, और करा है चिल्ली पोटैटो, वो आने वाला है, चलिए इसको खा लेते हैं, देन आपके लिए आगे ब्लॉग कंटिन्यू शूट करते हैं। ये हमारा बर्गर, और इसको मैं करता हूँ यहाँ से ओपन, कुछ ये इस तरह का बर्गर है, और हमारे अभिलाष भाई ने तो खाना भी स्टार्ट कर दिया है। हाँ सौरभ भाई मौज आ रही है पूरी, सोनू भाई खा के बताओ कैसा है, है मजा आ गया? अभिलाष भाई तुम बताइए कैसा है? ओ यू स्पीचलेस मींस है। सो चलिए गाइस मैं भी अपना खा लेता हूँ, देन आपको बताता हूँ उसका रिव्यू कैसा है ये।